नमस्कार, मैं संदीप नौकवाल सभी दर्शकों का दी पब्लिक में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। सभी दर्शकों से उम्मीद करूंगा कि हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि आज हम चर्चा करने वाले हैं सिर्फ कर्नाटका के ओपिनियन पोल की ही नहीं बल्कि कर्नाटका के साथ उन 864 विधानसभा सीटों की और 110 लोकसभा सीटों की जिनके इसी साल चुनाव होने जा रहे हैं। यानी मेरा मतलब यह है कि लोकसभा चुनाव से पहले विधानसभा चुनाव इन सीटों पर होने जा रहे हैं, जो 2024 की चुनाव की लोकसभा चुनाव की रणनीति और दिशा तय करेंगे। और आपको हैरानी होगी कि इस ओपिनियन पोल में किसको बड़ा झटका लग रहा है। अगर संक्षेप में बताएं तो इन ओपिनियन पोल में भाजपा पार्टी को ही बड़ा झटका लग रहा है। अगर आप कैलकुलेशन करेंगे 864 विधानसभा सीटों में तो भाजपा पार्टी को कितनी सीटें आ रही हैं ये आप इमेजिन भी नहीं कर पाएंगे। 864 सीटों में 200 सीटों पर ही भाजपा पार्टी मजबूती से खड़ी है, बाकी सीटें कांग्रेस व अन्य दलों को जा रही है। आखिर इन 110 सीटों को लोकसभा सीटों में भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको बता दें कि कर्नाटक, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के अंदर इसी साल चुनाव होने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर, राजस्थान के अंदर, कर्नाटका के अंदर और तेलंगाना के अंदर चुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश और कर्नाटक में आप बीजेपी सरकार को देख सकते हैं, यानी बीजेपी सरकार मौजूदा समय में है और इन्हीं राज्यों से भाजपा को झटका लग रहा है। सबसे बड़ा झटका तो जहां पर बीजेपी सत्ता में है वहां पर सरकार को लग रहा है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, जबकि तेलंगाना में BRS सत्ता में है। अगर राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान में बदलाव का नियम हमेशा रहा है, लेकिन इस बार कोई बदलाव नहीं हो रहा है। राजस्थान के अंदर कांग्रेस आज भी मजबूती से खड़ी है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ही रहने वाली है, यानी कोई बदलाव नहीं होने वाला। अब बात यह है कि जहां पर कांग्रेस शासित राज्य है वहां पर बीजेपी दावा नहीं खेल पा रही है, और जहां पर बीजेपी का शासन है वहां पर बीजेपी को लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। खासकर कर्नाटका के अंदर बीजेपी पार्टी एक बार फिर से हार रही है। अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश के अंदर आप जानते हैं कि झोलमोल कर सरकार बनी है। अब इस सरकार को तोड़ने के लिए जनता पूरी तरह से तैयार है। टोटल कैलकुलेशन में आपको बता देता हूं कि 5 राज्यों में राजनीतिक पार्टियों की रणनीति और एनालिटिकल रिपोर्ट आपके सामने मैं पेश कर रहा हूं। मध्य प्रदेश से योगेश पांडे की जो रिपोर्ट है हमारे पत्रकार संवाददाता ने भेजी है। कॉलेज में प्रोफेसर के पास फोन, आपसे पीएम मोदी बात करेंगे। मार्च 2020 की बात है, ठीक 3 साल पहले बड़वानी के सरकारी डिग्री कॉलेज में हिस्ट्री की क्लास चल रही थी। पढ़ा रहे प्रोफेसर के फोन की घंटी बजी, स्क्रीन पर दिल्ली का लैंडलाइन नंबर डिस्प्ले हो रहा था। प्रोफेसर ने फोन उठाया तो सामने से आवाज आई, मैं पीएमओ से बोल रहा हूँ, क्या मेरी बात सुबेर सिंह सोलंकी से हो रही है? हाँ, सुनते ही कोदर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपसे बात करेंगे। प्रोफेसर सोचते रह गए और दूसरी तरफ से आवाज आई, कैसे सुमेर, तुम्हें राज्यसभा जाना है। प्रोफेसर को समझ ही नहीं पाए पीएम की बात का ठीक से जवाब दे पाते तब तक फोन कट गया। उन्होंने क्लास पूरी की और सीधे घर पहुंचे। तब तक टीवी चैनलों पर खबर फ्लैश हो चुकी थी कि मध्य प्रदेश से बीजेपी के राज्यसभा उम्मीदवारों की लिस्ट आ गई है। लिस्ट में पहला नाम सुमेर सिंह सोलंकी का था। सुमेर सिंह आदिवासी समुदाय से आते हैं और कई साल से RSS से जुड़े हुए हैं। उनके पिता भी जनसंघ से जुड़ चुके हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने क्या किया, आपको बता दें कि आदिवासियों को जंगलों पर अधिकार देने के लिए पैसा यानी पंचायत एक्शन टू शेड्यूल एरियाज एक्ट लागू किया गया। आपको बता दें कि इसको डिटेल में जाएं तो देख सकते हैं 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत में आदिवासियों को सबसे ज़्यादा आबादी मध्य प्रदेश में है। राज्य की आबादी का 21% हिस्सा आदिवासियों का है। मध्य प्रदेश की कुल 230 सीटों में से 47 सीटें आदिवासियों के लिए रिजर्व है। 2018 के चुनाव में 47 रिजर्व सीटों में से बीजेपी सिर्फ 16 सीटें ही जीत पाई, और इस बार और भी ज़्यादा नुकसान होने वाला है। आदिवासी फैक्टर एक बार फिर से मध्य प्रदेश को भाजपा से मुक्त करवाने वाला है। कांग्रेस की बात की जाए तो राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान 23 नवंबर 2022 को आदिवासी समुदाय से आने वाले क्रांतिकारी टंट्या भील की जन्मसत्री बड़ौदा अहिल पहुंचे थे। आपको बता दें कि बीजेपी की रणनीति पर मैंने पार्टी के मीडिया प्रभारी लोकेंद्र पराशर से बात की तो उन्होंने कहा कि गरीब कल्याण की योजनाएं हम घर घर तक पहुंचाएंगे। आयुष्मान, प्रधानमंत्री आवास, उज्ज्वल जैसी स्कीमों से लोगों का जीवन बदल रहा है। मैंने कहा कि हिंदुत्व से तो जवाब मिला है कि मुद्दा नहीं,
तो हमारी जो रगो रगो में है, यानी हिंदुत्व फैक्टर का यूज किया जा रहा है। राजस्थान से आपको बता दें कि गुजरात की तर्ज पर बूथ मजबूत करने को फोकस है। यहाँ पर 2018 और 2023 के चुनाव में बड़ा फर्क यह है कि पिछला चुनाव बीजेपी ने सत्ता में रहते हुए लड़ा, उस समय वसुंधरा राजे सरकार थी, लेकिन अब कांग्रेस लड़ रही है, यानी कांग्रेस ने सत्ता में रहते हुए चुनाव लड़ा जा रहा है। गुजरात की तर्ज पर बूथ मजबूत किया जाएगा। राजस्थान के 52,000 बूथों पर बूथ यूनिट बनाई जा चुकी है। राजस्थान की पॉलिटिक्स आप देख सकते हैं, यहाँ पर ओबीसी, आदिवासी, गुजरों और ऐसे समुदाय पर फोकस किया जा रहा है। ओबीसी को साधने के लिए जोधपुर में बीजेपी ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की मौजूदगी में ओबीसी सम्मेलन किया, लेकिन यही बीजेपी की कमी है कि राजस्थान में तो आपने सम्मेलन किया, लेकिन हरियाणा व अन्य राज्यों के अंदर आप चूक गए। चाहे वह अल्पसंख्यक क्यों ना हो ओबीसी समुदाय, लेकिन आपको सम्मेलन करना चाहिए था, इसी वजह से आंकड़े गिरते जा रहे हैं। कमजोर सीटों पर मोदी की सभाएं करवा रहे हैं, लेकिन फिर भी भाजपा पार्टी रणनीति बनाने में असफल रह रही है या सफल नहीं हो पा रही है। राजस्थान बीजेपी के एक सीनियर लीडर के मुताबिक मुस्लिम को कोई टिकट नहीं दी गई है। सिर्फ एक मुस्लिम नेता को 2018 में टिकट गई थी, लेकिन 2013 में 3 मुस्लिम कैंडिडेट थे, लेकिन इस बार कोई भी टिकट नहीं देने का ऐलान कर रहा है। राजघरानों को तोड़ने की कवायद की जा रही है। ब्राह्मण को अध्यक्ष बनाकर सोशल इंजीनियरिंग की कोशिश की जा रही है बीजेपी के द्वारा। पिछले 3 चुनाव के एनालिसिस के आधार पर, जो चुनाव में हार जीत के आधार पर बटा गया है 200 सीटों को, और 21 सीटों को एनालिसिस किया जा रहा है, उसके आधार पर टिकट दी जा रही है। आपको बता दें कि बीजेपी ज़्यादातर नए चेहरों को मौका देगी ताकि पुराने नेताओं के क्षेत्र में नाराजगी को दूर किया जा सके। गहलोत पायलट की लड़ाई का फायदा उठाने की भी रणनीति बीजेपी के द्वारा तय की जा रही है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के अंदर पीएम ने पैसे भेजे, लेकिन सरकार ने अपना हिस्सा नहीं दिया। छत्तीसगढ़ में बीजेपी विपक्ष में है। पार्टी अब प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे के भरोसे ही मैदान में है। उसके पास स्टेट लेवल में अभी कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो सीएम भूपेश बघेल के लिए चुनौती बगल बन जाए। यहां से मुद्दों पर कांग्रेस को घेरा जा रहा है। पहला है प्रधानमंत्री आवास योजना। बीजेपी इन दिनों गांव गांव जाकर बता रही है कि छत्तीसगढ़ के लिए प्रधानमंत्री ने 16,00,000 आवास बनाने के लिए 10,000 करोड़ रुपए दिए हैं। छत्तीसगढ़ में आरक्षण के बहाने घेराबंदी की जा रही है। आपको बता दें कि बीजेपी 2018 में हारने के पीछे किसानों को बड़ा वजह बताया जा रहा है। नक्सलियों पर कंट्रोल रखने में सरकार नाकाम रही। अजीत लोक जोगी की पार्टी जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ को 7% वोट मिले। माना जा रहा है कि जोगी की पार्टी कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएगी, लेकिन पार्टी ने 5 सीटों पर जीत हासिल की। 2018 में कांग्रेस का सबसे बड़ा दावा था कर्जा माफ, बिजली बिल माफ। इसी फैक्टर से यहाँ से छत्तीसगढ़ के अंदर कांग्रेस जीत दर्ज कर पाई। अब भी वही सेम फैक्टर रहने वाला है। आपको बता दें कि कांग्रेस और टीपू दोनों ही हिंदू विरोधी है। कर्नाटक से अध्यक्ष वाजपेयी की रिपोर्ट आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि यहाँ से तो बड़ा झटका लग रहा है बीजेपी पार्टी को। यहाँ पर भी कांग्रेस की मजबूत स्थिति देखी जा सकती है। कुछ और राज्य की बात की जाए तो भाजपा पार्टी तेलंगाना के अंदर तो नहीं तो कांग्रेस मजबूत है, नहीं तो भाजपा मजबूत है। यहाँ पर बीआरएस पार्टी मजबूत देखी जा सकती है। बीआरएस को घेरने के लिए अलग अलग टीमें बनाई जा रही है, अलग अलग रणनीति तय की जा रही है, लेकिन यहाँ से क्षेत्रीय दलों को इस बार कमजोर करने में कांग्रेस पार्टी कामयाब रही है। टोटल मैं आंकड़ा बता चुका हूँ। लोकसभा सीटों की अगर 110 सीटों की बात की जाए तो यहाँ से जो है 864 विधानसभा सीटों में से 210 सीटें 5 राज्य 210 सीटें बीजेपी के खाते में, काफ़ी शर्मनाक बात है। और इसकी वजह से लोकसभा चुनाव हारने का खतरा भी बीजेपी के लिए पैदा हो जाता है। 110 सीटों में से बीजेपी 20-30 सीटों पर ही सिमटती हुई नजर आ रही है लोकसभा चुनाव के अंदर। मैं ये नहीं कहता कि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी मजबूती सी है, कांग्रेस पार्टी कुछ राज्यों में मजबूती सी है तो कुछ क्षेत्रीय दल भी मजबूत बनने की कोशिश कर रहे हैं। इसको लेकर आप अपनी राय कमेंट कर सकते हैं। जुड़े रहिएगा रिपब्लिक के साथ। जय हिंद।